दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज हम बात करेंगे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुए दूसरे वनडे मैच की, जो न केवल रोमांच से भरा हुआ था बल्कि क्रिकेट प्रेमियों के दिलों को छूने वाला भी साबित हुआ। भारतीय टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव ने संभाली और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। साउथ अफ्रीका की ओर से रिजा हेंड्रिक्स और रिकेल्टन सलामी बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। दोनों ने टीम को तेज शुरुआत दी। पावर प्ले के दौरान इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बिना विकेट गंवाए 75 रन बना डाले। रिजा हेंड्रिक्स ने अपने ताबड़तोड़ शॉट से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारतीय गेंदबाजों की शुरुआती रणनीति कारगर साबित नहीं हुई। हालांकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रवि बिश्नोई को गेंद थमाई और उन्होंने भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रिकेल्टन को 34 रन पर पवेलियन भेजा। एडन मार्कम और हेनरिक क्लासन ने टीम को संभाला और बेहतरीन साझेदारी की। दोनों ने 85 जमाए और टीम के स्कोर को 300 के पार पहुँचाया। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने बीच बीच में विकेट चटकाकर रनगति पर लगाम लगाने की कोशिश की। हार्दिक पांड्या ने एडम मार्कम को 63 रन पर आउट कर साउथ अफ्रीका की पारी को धीमा किया। अंत में मार्को जॉनसन 46 रन पर और डेविड मिलर 12 रन बना पाए ने कुछ तेज रन बनाए, लेकिन भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह और आवेश खान ने सटीक गेंदबाजी करते हुए विकेट चटकाए। साउथ अफ्रीका ने निर्धारित 50 ओवरों में 7 विकेट पर 325 रन बनाए। 311 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव और संजू शमशान ने मोर्चा संभाला। संजू शमशान ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए मात्र 9 ओवर में टीम का स्कोर 70 रनों तक पहुंचा दिया। उन्होंने मार्को जॉनसन के एक ओवर में 3 चौके लगाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। हालांकि संजू शमशान 40 रन बनाकर LBW आउट हो गए। इसके बाद तिलक वर्मा ने सूर्यकुमार यादव का साथ दिया, लेकिन वह भी ज़्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और 15 रन बनाकर आउट हो गए। अक्षर पटेल ने सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने तेजी से रन बनाए, लेकिन अक्षर पटेल 25 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने क्रीज पर कदम रखा। सूर्यकुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा किया। वहीं हार्दिक पांड्या ने भी तेजी से 50 लगाया। दोनों ने मिलकर टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया। जब अंतिम 2 ओवर में 30 रन चाहिए थे, तब रिंकू सिंह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए छक्कों की बारिश कर दी। आखिरी ओवर में 24 रन चाहिए थे और रिंकू ने चौके और छक्के लगाकर टीम को जीत दिलाई। उनकी इस पारी ने सभी को चकित कर दिया और भारतीय टीम ने यह मुकाबला 2 विकेट से जीत लिया। इस मैच में भारतीय टीम की जीत के प्रमुख नायक सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह रहे। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई ने महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। तो दोस्तों, आज की क्रिकेट न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल क्रिकेट ऑनलाइन दिन को सब्सक्राइब करें। अपने विचार और सवाल हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके साथ ऐसे ही क्रिकेट जगत से जुड़ी ताज़ा अपडेट लाते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।